तो टॉप वन M1887 के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने M1887 में पुशिंग करके टॉप 30 नंबर पे तो पहुंच गया था। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और गेम खेला था और गेम खेल के हम लोगों ने टॉप 28 नंबर पे पहुंच गया था। और आज हम लोग सीधा पुशिंग करेंगे टॉप 28 नंबर से सीधा टॉप 20 तक। तो देखते हैं आज हम लोग टॉप 20 तक कर भी पाते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं M1887 के टॉप 1 पुशिंग के एपिसोड नंबर 4 की फर्स्ट गेम पे। और हमारे फर्स्ट गेम यहाँ पे बरमुंडा मैप दिया है और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एक ही किल किया है और लास्ट जोन पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। लेकिन लास्ट जोन पे यहाँ पे बंदे देखो 11-11, 12-12 बंदे जो कि मॉन्स्टर ट्रक लेके घूम रहे हैं। तो मेरे को भी जबरदस्ती यहाँ पे गाड़ी में ही घूमना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में नहीं घूमता तो कोई ना कोई बंदा मेरे को उड़ा ही देता, लेकिन यहाँ पे मेरा गाड़ी फोड़ देता है तो मेरे को उतरना पड़ता है। लेकिन ये बंदे को मारने के लिए मैं जैसे जाता हूँ ये बंदा तो मेरे साथ टीम अप कर लेता है, तो मैं भी इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे को कट्टा ना मिला है और ना ही मुझे किल मिला है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी से ठोकर जरूर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को गाड़ी से उड़ा देता है तो मैं ही गाड़ी में मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। एंड मॉन्स्टर ट्रक पे बैठे बैठे मैं मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ और मेरा टीममेट जो कि मेरे साथ टीम अप किया था वो बंदा देखो कैसे घूम रहा है यार। और इसी को बंदे को उड़ाने के लिए मेरा यहाँ पे जो गाड़ी ड्राइवर था ना वही उड़ाने के लिए जा रहा था, लेकिन ये बंदा गाड़ी घुमा लेता है। और अभी तक देखो यार लास्ट सर्कल मतलब जीरो सर्कल में अभी तक यार 11-11 बंदे जो कि गाड़ी लेके घूम रहे हैं। और एक चीज बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे मेरे गाड़ी पे ना 4 बंदे बैठे हैं और एक मॉन्स्टर ट्रक जो है ना उसमें भी 4-4 बंदे बैठे हैं। यार ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ सोलो में 4-4 बंदे जो कि मॉन्स्टर ट्रक पे बैठे वो भी लास्ट सर्कल में। और यहाँ पे भाई क्या ही फाइट हो रही है मॉन्स्टर ट्रक की यार। और जिसके पास अभी गाड़ी नहीं होगी ना वो बंदा देखो मेरे गाड़ी में चढ़ने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा यार, मतलब चारों के चारों बैठे तो कहाँ पे बैठे हो आप लोग भी। लेकिन यहाँ पे देखो यार अभी तक 10 बंदे यार एंड सर्कल में 0, लेकिन यहाँ पे हैवी ड्राइवर तो भाई बंदे को उड़ा ही जा रहा है यार। और यहाँ पे देखो चारों के चारों बंदे कैसे मेडिकेट लगा रहा था यार। और अभी मुझे नहीं लगता कि इस गेम पे मैं M87 का ग्लोरी ले पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट सर्कल में जो कि 3 गाड़ी है और तीनों गाड़ी में 9 बंदे बैठे हैं, मतलब आप लोग सोच लो यार कितने सारे बंदे यार गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ट्रक फूटते ही सारे बंदे यहाँ पे उतर चुके हैं और मेरे हैवी ड्राइवर जो कि था वो भी गाड़ी मतलब जिंदा है बस, और दोनों के दोनों अभी गाड़ी फूट चुका है और ये हैवी ड्राइवर तो भाई बंदे उड़ा ही जा रहा है यार। और अभी मेरे कैरेक्टर स्किल भी ब्लॉक कर दिया है और मेरे पास ना अभी मेडिकेट भी नहीं बचा है, तो मेरे को यहाँ पे मेडिकेट इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि हीलिंग बैटल ही होगा, क्योंकि एक ही गाड़ी में जब 4-4 बंदे बैठेंगे तो क्या ही होगा आप लोग सोचो। अभी मैं उतर के अभी थोड़ा बहुत लूट करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मेडिकेट तो मिल जाता है, लेकिन ये गाड़ी वाला भाई मेरे को उड़ा सकता है, तो फिर से मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ। एंड ये गाड़ी वाला सबको उड़ा देता है और मैं उतर के यहाँ पे फिर से लूट करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे सारे बंदे उतर चुके हैं तो फटाफट से मैं उतर के यहाँ पे FGL वगैरह सब लूट लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट जोन पे मेरे को एक FGL मिल जाता है एंड मैं FGL मार देता हूँ और यहाँ पे सारे बंदे हेलमेट होने लग जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या सीन हो जाता है और यहाँ पे एक एक करके सारे बंदे मरने लगे और यहाँ पे मैं भी नॉक हो गया था, लेकिन यहाँ पे भाई इम्पॉसिबल यहाँ पे भुया हो जाता है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मैच पे मुझे भुया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे FGL की वजह से मुझे इस गेम पे भुया मिल जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच पे भी यहाँ पे बरमुंडा मैप ही दे देता है और मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि फाइट कर रहा था, तो मैं उतर के यहाँ पे उसको बॉडी वॉडी डैमेज देके यहाँ पे उसको M14 से ही खत्म कर देता हूँ। एंड उसके बाद नीचे साइड जैसे ही मैं जाता हूँ ना मुझे और एक बंदा दिख जाता है, तो मैं उस बंदे को भी मारने के लिए काफी देर यहाँ पे इधर उधर घूमने लग जाता हूँ। लेकिन ये बंदा काफी चालाक था तो मेरे को घुमा ही रहा था इधर उधर, कभी इस घर के कोने में जा रहा था कभी इस घर के कोने में जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे करके यहाँ पे हेडशॉट मार के उसको हम लोग फिनिश कर ही देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने काफी बंदे मारे, काफी इधर उधर घूमे भी, लेकिन अभी तक मुझे M1887 नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे और एक बंदा मुझे मिल चुका है जो कि दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहा है, तो मैं गाड़ी से उतर के यहाँ पे सीधा मारने के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे स्नो गन से बॉडी वॉडी डैमेज देके उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। एंड इसके पास मुझे M1887 मिल जाता है। उसके बाद क्या, मैं M1887 उठा लेता हूँ, उठाने के बाद बंदे मारने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पे 2 गोली से एक बंदे को खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे एक ही बंदा बचा है। क्या इस गेम पे मैं इस बंदे को मार के M1887 का फुल वेपन ग्लोरी ले पाऊंगा, इसलिए मैं फटाफट से गाड़ी में बैठ जाता हूँ क्योंकि वो भी बंदा गाड़ी में घूम रहा था, तो मैं फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक लेके आगे की तरफ चला जाता हूँ और यहाँ पे गाड़ी से उसको ठोकर मार देता हूँ, मतलब गाड़ी से गाड़ी को ठोकर मार देता हूँ और वो वाला गाड़ी अटक जाता है और यहाँ पे M1887 के हेडशॉट से उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। इसी के साथ साथ इस गेम पे हम लोग को लास्ट टाइम पे M1887 मिलने के बाद भी हम लोग इस गेम पे फुल वेपन ग्लोरी ले लेते हैं।
हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच पे मैं बंदे मारने के लिए यहाँ पे वेंडिंग वाला घर में चला जाता हूँ एंड वेंडिंग मशीन से मैं चाबी वगैरह खरीद लेता हूँ, हिटलिस्ट वगैरह खरीद लेता हूँ बंदे मारने के लिए। एंड हिटलिस्ट लेके मैं जैसे ही घर के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था, एक बंदा दिखता है एंड उसको हेडशॉट मार देता हूँ। उसको मारने के लिए जैसे जाता हूँ यहाँ पे पीछे से कोई बंदा मेरा थर्ड पार्टी करके इस मैच पे मेरा माइनस करवा देता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच यहाँ पे नेक्स्ट्रा मैप दे देता है और मैं घर के अंदर काफी देर होल्ड करता हूँ क्योंकि मेरा पिछला मैच माइनस गया था, तो इसमें मैं होल्ड कर रहा था। एंड यहाँ पे नीचे से एक बंदे का फूट आने लग जाता है तो मैं नीचे साइड चला जाता हूँ, उसको MIT मारने का कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने सेंटिन्यू कैरेक्टर भी लगा दिया था तो इससे सेंटिन्यू मैं पहले फोड़ देता हूँ। एंड उस बंदे को देखने लग जाता हूँ कि किस साइड पे है और ये बंदा मेरे को मारने के लिए जैसे आता है उसको दो गोली यहाँ पे सोनिया बना देता हूँ। इसी के साथ साथ बंदा दिमित्री तो नहीं लगाता लेकिन इसी के साथ साथ बंदा खत्म हो जाता है और उसके बाद फटाफट से मैं उसको लूट कर लेता हूँ और मेडिकेट लगा के फिर से गाड़ी लेकर हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट जोन भी आ चुका था और ज्यादा बंदे नहीं बचे थे तो मैं गाड़ी से उतर के एक बंदे को मारने के लिए लग जाता हूँ, लेकिन वो बंदे का करंट लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था तो मैं ग्लोबल फोर्ट यहाँ पे मारने के लिए लग जाता हूँ और ये बंदा साइड से कोई और बंदा मेरे को मार के यहाँ पे नॉक कर देता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मेरे पास इंजेक्शन था तो फटाफट से मैं इंजेक्शन मार लेता हूँ एंड उसके बाद फटाफट से और एक ग्लू लगा के गाड़ी में बैठ के हम लोग बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेके यहाँ पे पूरा एकदम क्लोज रेंज में जाके यहाँ पे कट्टा से दो गोली भरता हूँ और यहाँ पे फिर से दो गोली भरने लग जाता हूँ। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा चालाक था, इधर उधर काफी ज्यादा मेरे को घुमा रहा था, लेकिन मेरे पास भी FGL था तो मैं FGL से कभी मारता था और कभी टू शूटर से मारता था, मतलब क्या क्या कर रहा था पता भी नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जैसे मोको का साइन आता है यहाँ पे घुस के यहाँ पे टू शूटर से उसको हम लोग फिनिश कर ही देते हैं और इसके बाद जैसे उसको लूट करने लग जाता हूँ और एक बंदा जो कि बचा था वो भी एलिमिनेट हो जाता है। और इस गेम पे मुझे M87 से दो किल करने के बदले में यहाँ पे 59 का ओपन ग्लोरी प्लस मिल जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच जो कि बरमुंडा मैप ही दे देता है और मैं उतर जाता हूँ ब्लू जोन पे एंड उतरते ही मुझे M87 भी मिल जाता है एंड साइड में जो मेरे साथ एक बंदा उतरा था उसको मारने के लिए मैं सीधा तुरंत ही चला जाता हूँ एंड बंदा जैसे दिखता है यहाँ पे दो गोली मिस करता हूँ और यहाँ पे दो गोली से बंदे को खत्म कर देता हूँ एंड फटाफट से इसको लूट कर लेता हूँ। ब्लू जोन थोड़ा बहुत लूट करने के बाद गाड़ी लेके हम लोग ब्रिज से जा ही रहा था तो मुझे पीछे साइड में गाड़ी बंदे का यहाँ पे फूट आ जाता है तो मैं उतर के यहाँ पे ग्लूवा लगा देता हूँ, इस बंदे को रोक देता हूँ एंड दो दो गोली में यहाँ पे उसका गाड़ी फोड़ देता हूँ और जैसे उतरता है दो गोली से इस बंदे को भी हम लोग खत्म कर देते हैं। और इसके बाद फटाफट से इसको भी लूट करके हम लोग आगे की तरफ फिर से चले जाते हैं हिटलिस्ट वगैरह खरीदने के लिए एंड फटाफट से मैं हिटलिस्ट वगैरह खरीद ही रहा था एंड उतने में ना मुझे एक बंदे का फूट आने लग जाता है यहाँ पे बाहर ही एंड हिटलिस्ट वाला बंदा भी इधर ही आ रहा था गाड़ी लेकर तो फटाफट से मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ और मुझे जैसे बंदा दिखता है एक बंदे को मैंने काफी गंदा बॉडी वॉडी डैमेज भी दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीछे कोई और बंदे का फूट आता है तो मैं पीछे साइड चला जाता हूँ एंड खिड़की से निकल के देखता हूँ तो बंदा नहीं दिखता है और जैसे घर के अंदर जाता हूँ तो बंदा मुझे दिख जाता है और यहाँ पे चुपके से हेडशॉट मार के उसको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं। एंड उसके बाद जैसे उसको लूट कर ही रहा था ऊपर साइड ना कोई और बंदा मेडिकेट लगा रहा था तो उसके ऊपर मैं FGL मारता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को डैमेज देने लग जाता है और जैसे ही मेरे साइड आ रहा था तो दो गोली मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन मिस हो जाता है तो मैं बाहर के साइड आ जाता हूँ एंड बाहर के साइड आते ही वो भी बंदा आ रहा था लेकिन यहाँ पे हेडशॉट एंड बॉडी शॉट मारने के बाद भी वो बंदा नहीं मरता तो मैं घर के अंदर चला जाता हूँ एंड घर के अंदर जाने के बाद FGL मारता हूँ लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं मरता यार और फिर से दो गोली मारने के लिए जाता हूँ लेकिन यहाँ पे फिर से मिस हो जाता है तो मैं फिर से इधर उधर घूम ही रहा था तो और एक बंदा यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ जाता है और मैं थोड़ा सा पीछे की साइड आते ही उस बंदे को सूखे से हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मेडिकेट जैसे ही लगाता हूँ तो और एक बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर रस मारने आ जाता है तो फटाफट से मेडिकेट लगाने के बाद उसको भी दो गोली भर देता हूँ एंड दो गोली भरने के बाद वो बंदा थोड़ा बहुत और भी मूवमेंट दिखाता है एंड मैं भी थोड़ा बहुत घूम के उधर उधर उसको भी मारने के लिए और फिर से दो गोली भर देता हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे ना अपडेट के बाद भाई साहब मतलब कितना भी गोली मार लो यार बंदा मरने का नाम ही नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में उसको FGL से मैं मार ही देता हूँ एंड उसके बाद फिर से गाड़ी लेके हम लोग एकदम लास्ट सर्कल में आ जाते हैं और यहाँ पे एक गाड़ी वाले को मैं ठोकर मारता हूँ लेकिन वो गाड़ी वाला भाग जाता है एंड मेरे को एक मॉन्स्टर ट्रक वाला उड़ान आ जाता तो फिर से मैं गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ जा ही रहा था गाड़ी लेकर मेडिकेट मारते मारते, लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई बंदा मेरे को AWM से यहाँ पे मार ही देता है एंड इस गेम पे भी मैं मर जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे इस गेम पे भी M87 का फुल ओपन ग्लोरी मिल जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच भी यहाँ पे बरमुंडा मैप दे देता है एंड मैंने दो किल भी कर लिया और यहाँ पे एक बंदा दिख चुका है जो कि मैं गाड़ी से उड़ाने का ट्राई करता हूँ लेकिन वो बंदा घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर जाने के बाद ये बंदा क्या ही बड़ा गलती कर देता है और मैं FGL से उसको नॉक कर देता हूँ। धुआं छोड़ के यहाँ पे दो गोली से उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद फटाफट से इसको भी लूट कर ही रहा था कि छत से मुझे फुट आने लग जाता है तो मैं फटाफट से ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने लग जाता हूँ एंड यहाँ पे लड़की दिख जाता है उसको दो गोली में भर जाता हूँ एंड दो गोली भरने के बाद मैं ऊपर के साइड जाने का कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं जा पाता हूँ तो यहाँ पे FGL मार देता हूँ एंड FGL मारते ही वो बंदा बैक करने लग जाता है एंड फिर से मैं FGL मार देता हूँ एंड ये बंदा FGL से इतना डैमेज हो गया था मैं क्या ही बोलू एंड FGL से डैमेज होते हो तो वो बंदा नीचे के साइड भाग जाता है और मैं भी यहाँ पे उसके पीछे पीछे नीचे के साइड चला जाता हूँ। लेकिन ये बंदा
काफी चालाक था, मतलब मेरे को काफी देर घुमाता इधर उधर, लेकिन मैं भी कहाँ भागने वाला था, मैं भी यहाँ पे पीछे पीछे जाके यहाँ पे दो गोली से उसको भी मार ही देता हूँ फटाफट से, उसको भी लूट कर रहा था। तो सामने के साइड मेरे को एक गाड़ी वाला दिख जाता है, तो मैं भी यहाँ पे पीछे मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता हूँ एंड मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। आगे की तरफ जाते जाते मुझे और एक लड़का दिख जाता है, तो मैं गाड़ी यहाँ पे ठोक के यहाँ पे थोड़ा नीचे के साइड आ जाता हूँ एंड एमपी बॉडी से उसको बॉडी वॉडी डैमेज देकर उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद फटाफट से उसको भी लूट करके हम लोग गाड़ी लेके फिर से आगे की तरफ चले जाते हैं। और अभी तक मेरा 5 किल जो कि हो चुका था एंड यहाँ पे 2 बंदा फाइट कर रहा था, एक बंदे को मैं गाड़ी से उड़ा के 6 किल कर लेता हूँ एंड और एक बंदे को भी उड़ाने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये बंदा काफी चालाक था एंड मेरा गाड़ी यहाँ पे फंस गया था, तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ एंड गाड़ी से उतरते ही वो बंदा ना मेरी गाड़ी लेके यहाँ पे भाग जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे फटाफट से मेरा और एक मॉन्स्टर ट्रक था मेरे पास, तो मैं वो भी मंगा लेता हूँ और जैसे मेरा मॉन्स्टर ट्रक आ जाता है, मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे सारे बंदे जो यहाँ पे फाइट कर रहे था उन लोगों को मैं इतना तंग करता हूँ मतलब फाइट करने नहीं देता हूँ यार, बंदे तंग हो जाते हैं यहाँ पे। और अभी तक 5 बंदे अलाइव है और मेरा गाड़ी यहाँ पे पेड़ पे ठुक चुका है और यहाँ पे मेरे गाड़ी में और एक बंदा भी बैठ चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाऊंगा अभी गाड़ी को, क्योंकि 5 बंदे अभी तक लास्ट सर्कल में जिंदा है, तो इस मैच को भी हम लोगों को विन करना है, तो देखते हैं इस मैच को हम लोग विन कर भी पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहा था, एक बंदे को मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ लेकिन यहाँ पे मरता नहीं है, तो मैं उतर के उसको मारने के लिए जाता हूँ लेकिन यहाँ पे बंदा फिर से पैक कर लेता है, तो मैं फिर से मेरे गाड़ी में बैठ जाता हूँ एंड मेरा गाड़ी यहाँ पे फूट जाता है। तो मैं ग्लू वॉल लगा लगा के आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड यहाँ पे राइट साइड से कोई मॉन्स्टर ट्रक वाला यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे उड़ा रहा था और मैं किल करने का ट्राई कर रहा था और एक किल मुझे मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक वाला मेरे को उड़ा देता है, तो मैं मॉन्स्टर ट्रक के यहाँ पे साइड में जाता हूँ और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक फूटते ही मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ और मेरे पास इंजेक्शन था, तो मैं फटाफट से इंजेक्शन मार के यहाँ पे उड़ जाता हूँ और फटाफट से एक सुपर मेडिकेट भी मैं लगा लेता हूँ एंड सुपर मेडिकेट लगाने के बाद वो दोनों बंदे ना फाइट कर रहे थे, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेनाइड था, तो मैं आसमान में यहाँ पे ग्रेनाइड मार देता हूँ एंड ग्रेनाइड से डैमेज तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों बंदे में से एक बंदे को 56 का डैमेज आता है एंड दोनों में से दोनों फाइट कर रहे थे एंड दोनों में से दोनों फाइट करते करते मेरे साइड भी एक गधा बंदा ग्रेनाइड मार रहा था एंड मैं भी यहाँ पे सीधा घुस के यहाँ पे मारने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को भुया निकालना था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर ही लेता हूँ क्योंकि भुया मेरे को मिस नहीं करना था इस गेम पे एंड मेरा 7 किल भी हो चुका था, तो मैं यहाँ पे प्लस फिज सारे फेंक देता हूँ, प्लस फिज बोल रहा हूँ ग्लूअल मेल्टर फेंक देता हूँ एंड ग्लूअल मेल्टर फेंकते ही बंदे का ग्लूअल खत्म होते ही मेरे साइड आ जाता है एंड वो बंदा मेरे ग्लूअल के कवर ले रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और आगे जाता हूँ, वो बंदा नॉक हुआ पड़ा था, तो MP40 से मैं उसको खत्म कर देता हूँ एंड उसको लूट करने के लिए चला जाता हूँ एंड इसको लूट करते करते ही सामने वाला बंदा मेरे ऊपर आइस मार देता है, तो मैं फटाफट से ग्लूअल लगा लगा कर फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और मेरे पास जितने भी ग्लूअल मेटर था तो मैं फेंक देता हूँ और वो बंदा मेरे साइड ही रास मारने आ जाता है एंड उसको MP40 से काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ एंड थोड़ा बहुत मैं हील करके यहाँ पे ग्लूअल लगा लगा के फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और जैसे बंदा दिखता है तुक्के से हेड मार के उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं एंड इसी के साथ साथ इस गेम पे भी मैं 9 किल से भुया कर लेता हूँ एंड साथ साथ में M87 का 91 का ओपन ग्लोरी भी ले लेता हूँ। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच भी यहाँ पे बरमुंडा मैप भी दिया था और मैंने अभी तक बस एक ही किल कर पाया क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड लोबी दिया था आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लो, यहाँ पे अभी तक यार लास्ट सर्कल में 18 बंदे जिंदा है, तो अभी सोच लो यार कितना हार्ड लोबी दिया है, तो इसीलिए मैं अभी तक कैम कर रहा हूँ और अभी तक M87 में भी किल नहीं हुआ, तो देखते हैं इस मैच पे M87 का किल कर भी पाते कि नहीं। और यहाँ पे पीछे एक बंदा आ जाता है गाड़ी लेके एंड उसको मारने के लिए जैसे कूदता हूँ मेरे को यहाँ पे डैमेज देखो वो बंदा फिर से गाड़ी में बैठ के यहाँ पे भाग जाता है और मैं जोन की तरफ जा ही रहा था तो यहाँ पे एक गाड़ी वाला आके यहाँ पे मेरे को ठोक देता है और मैं काफी गंदा डैमेज हो गया था, गुल वाला लगाते लगाते और एक गाड़ी वाला आके ठोक देता है और मेरे पास इंजेक्शन था तो इंजेक्शन मारता हूँ लेकिन यहाँ पे और एक गाड़ी वाला आके मेरे को फिर से ठोक देता है, रुक करके मेरे को मार ही देता है इस गेम पे। और जैसे इस गेम पे मैं बैक करता हूँ यहाँ पे 9 का ओपन ग्लोरी मुझे मिल जाता है M87। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच भी यहाँ पे बरमुंडा मैप भी दिया है और यहाँ पे एक बंदा मुझे दिख चुका है जो कि पेड़ के पीछे था, तो मैं गाड़ी फटाफट से आगे की तरफ ले जाके यहाँ पे फिर से उधर ही घुमा के लेके आता हूँ और ये बंदा फिर से पेड़ के कवर में चला जाता है, मैं गाड़ी से उतर के यहाँ पे तुक्के रेड मार के इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं, इसको भी लूट कर लेते हैं एंड लूट करने के बाद हम लोग गाड़ी लेके आगे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद गाड़ी लेके जाते जाते मेरे को यहाँ पे लॉन्च पेड़ पे यहाँ पे गाड़ी ठोक देता हूँ, तो सामने वाला बंदा मेरा गाड़ी फोड़ देता है और मैंने सोच लिया था कि इस गेम को ना कुछ भी करके हम लोग को भुया निकालना है क्योंकि अगला मैच हमारे M87 से ना ही ग्लोरी मिला है ना ही हम लोग को अच्छा खासा प्लस मिला है, तो इस गेम पे हम लोग को भुया निकालना है कुछ भी करके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बंदा था तो उसको मारने के लिए जैसे जाता हूँ पीछे से कोई गाड़ी वाला आके मेरे को उड़ा देता है एंड मैं जोन के बाहर आ जाता हूँ और ये बंदा मर जाता है, तो इसको फटाफट से मैं लूट करने लग जाता हूँ एंड लूट कर भी लेता हूँ फटाफट से एंड लूट करते करते यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे यहाँ पे फाइट
करने आ जाता है एंड काफी ज्यादा फाइट भी ले रहा था। और मैं सोच रहा था कि नहीं फाइट लूंगा क्योंकि मेरे को बुया निकालना था, तो मैं मेडिकेट लगा ही रहा था और यहाँ पे एक बंदा उतर के मेरे को मारने के लिए आ रहा था या फिर ऐसे ही बैठा था पता नहीं, उकोंग होकर बैठा था। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है राइट साइड में और यहाँ पे गाड़ी फूटते ही वो बंदा भाग ही जाता है पीछे के साइड में। और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है यार, मतलब लास्ट सर्कल में अभी भी यार सात सात बंदे जिंदा है। मतलब अपडेट के बाद ना काफी ज्यादा हार्ड लॉ भी दिया है और गेम को भी काफी ज्यादा बेकार भी कर दिया है। तो आप लोगों को अपडेट कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना यार, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस अपडेट, तो आप लोग बताना अपने राय बता देना कमेंट में, ठीक है। तो अभी फटाफट से लूट कर ही रहे थे और यहाँ पे सात बंदे में से यहाँ पे छह बंदे अभी तक जिंदा है और यहाँ पे सामने के साइड फाइट हो रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड होकर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड साइड होकर जाऊंगा क्योंकि मेरे को जोन कवर करना है और इस मैच को हम लोग को भुया करना है। और ऊपर से कोई बंदा मुझे मार रहा था तो फटाफट मैं ग्लूवर लगा के यहाँ पे मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ। और अभी देखते हैं यार इस मैच को हम लोग विन कर भी पाते हैं क्योंकि लास्ट जोन पे यहाँ पे छह बंदा लाइव और मेरा दो किल है बस, और M87 में बस मैंने एक ही किल किया है। तो M87 का भी फुल ओपन गोरी भी लेना है और एक मॉन्स्टर ट्रक पे घूम रहा है और एक गाड़ी में घूम रहा है, तो देखते हैं यार। तो यहाँ पे काफी देर होल्ड करने के बाद भी यहाँ पे बंदे कम ही नहीं हो रहे थे, तो मैं ही जाके एक बंदे को बॉडी वॉडी डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। और अभी तीन ही बंदा जिंदा थे जिसमें से एक बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज दे देता है और फिर से मैं मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ और वो बंदा मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता है और मेरे साइड ही आ रहा है। और एक बंदा देखो सेंटिन्यू कैरेक्टर भी छोड़ दिया है, सबसे पहले इसका सेंटिन्यू फोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेंटिन्यू कैरेक्टर तो बहुत खतरनाक है यार। सेंटिन्यू फटाफट से मैं फोड़ देता हूँ और मॉन्स्टर ट्रक वाला उस बंदे को उड़ाने के लिए चला जाता है और वो बंदा बाइक में बैठ जाता है। और अभी के टाइम पे तो बताइए यार लास्ट सर्कल में क्या होता है सोलो रैंक फिशिंग में, यहाँ पे देखो सोलो रैंक फिशिंग में क्या होता है, ये होता है भाई गाड़ी फाइट होता है। तो गाड़ी में सारे बंदे घूम रहे थे तो मैं भी जाके गाड़ी में बैठ जाता और यहाँ पे ठुकने से बच जाता हूँ। तो फटाफट से गाड़ी में बैठे बैठे आगे की तरफ जा ही रहा था एंड उतरे में ना मेरे गाड़ी में से धुआं निकलने लग जाता, तो मैं मॉन्स्टर ट्रक में जाके बैठ जाता हूँ। मॉन्स्टर ट्रक में बैठने के बाद मॉन्स्टर ट्रक भी काफी गंदा डैमेज हो चुका था एंड दोनों के तीनों यहाँ पे गाड़ी में भी बैठे थे और ये ड्राइवर ही कर रहा था, मतलब चला रहा था गाड़ी। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है और मेरे को छोड़ देता है यहाँ पे जोन की तरफ और वो दोनों बंदे अभी फाइट करने लग जाता है और मैं भी गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पे मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ और इन दोनों का फाइट करने देता हूँ। एंड इन दोनों का फाइट होते होते एक बंदा मर जाता है एंड इसी के साथ साथ दो बंदा एलिमिनेट हो जाता है और मैं कुछ भी ना करके इस मैच को विन कर लेता हूँ और साथ साथ में यहाँ पे 69 का यहाँ पे ओपन ग्लोरी भी हम लोग ले लेते हैं। तो आज हम लोगों ने काफी अच्छा खासा प्लस किया है एंड अच्छा खासा प्लस करके यहाँ पे हमारे स्कोर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6900 हो चुका है और अभी के टाइम पे करंट रैंकिंग भी आप लोग देख सकते हो 4800 में है हम लोग और इस रैंक को हम लोग ऊपर भी ले जाएंगे। और अभी वेपन ग्लोरी की बात करें तो वेपन ग्लोरी में भी आप लोग देख सकते हो हम लोग झारखंड के अंदर टॉप 1 पे आ चुके हैं एंड हमारे वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम लोग टॉप 3 नंबर पे यहाँ पे आ चुके हैं काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद। और अभी हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी हम लोग आ चुके हैं अभी के टाइम पे टॉप 19 नंबर पे टॉप 30 नंबर से और कल वेस्ट के अंदर हम लोग टॉप 10 में भी जाने का ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कब तक हो पाता है। एंड अगर आप लोगों ने कल परसों वाला वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख लेना एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।